will move further and we will start object-oriented programming. So the full form of object orient is object oriented programming. Okay, and object oriented programming, what is object oriented programming? OOPS stands for object oriented programming, an approach to do programming which is based on object or real life object. Okay, so before discussing what is object and all, we just start with the real world, real life. Okay, so there is a class human. Okay, एक class है human. Human class में क्या हो सकता है? Human class function is walking, eating, sleeping, drinking. Okay, and properties क्या हो सकता है एक human का? Two ears, two eyes, two hands and legs. Okay, ये क्या है? एक class का function है, property है. So in any class it can contains a function and property. Okay, और इस class का, human class का object क्या हो सकता है? Any human, like Ali, Umar, Sara, all human. ठीक है, ये object है. That means कि जो एक object है, for example Ali. Okay, so Ali can do, what can do Ali? Walk, eat, sleep, drink, these all things. And property is two ears, two eye, two hand. ठीक है, तो जब हम human class की बात करते हैं, human की बात करते हैं, तो human class की जो basic function है, basic बिहेवियर है, वो चीज हम डालते हैं एंड उसमें प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकता है. सो सिमिलरली एक क्लास है डॉग. ओके, तो डॉग क्लास में प्रॉपर्टीज क्या क्या है? ये सारे प्रॉपर्टीज है, हाइट, लेंथ, कलर एक्सेट्रा. ठीक है, एंड मेथड्स क्या है? सिट, ले डाउन, सेक, कम, जो हम कहते हैं. ठीक है, अब इस डॉग क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट हुआ, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ राइन. ठीक है, सो ये ऑब्जेक्ट एग्जिस्टेंस है. अभी इसका ये जो डॉग क्लास है, डॉग क्लास को डॉटेड लाइन में शो किया गया है. ठीक है, बिकॉज दिस इज जस्ट अ ब्लूप्रिंट, दिस इज जस्ट अ ब्लूप्रिंट, ओनली स्ट्रक्चर. ठीक है, इस स्ट्रक्चर का एक ऑब्जेक्ट बना राय ने. ठीक है, तो इस ये ऑब्जेक्ट सारे प्रॉपर्टीज, जो भी डॉग क्लास की प्रॉपर्टी है, वो सारे प्रॉपर्टीज होगा इसमें. ठीक है, एंड इसका एग्जिस्टेंस है. ओके, नाउ वी विल डिस्कस मोर लाइक कार. ठीक है, सो कार इज अ क्लास, सो कार कैन कंटेन्स प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स. प्रॉपर्टीज क्या हो सकता है? कलर, ऑरेंज, व्हील, फोर्ड, डोर, टू. मेथड्स, स्टीयर, एक्सेलरेट, ब्रेक. सेम ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शा जैसे ही हम, सो ये क्लास इसलिए हम एक्चुअली रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल इसलिए ले रहे हैं, जब भी हम मॉडलिंग स्टार्ट करते हैं, प्रोग्राम करना, कोडिंग स्टार्ट करते हैं, तो हमें ये सब चीज माइंड में रखना होता है. ओके, फॉर एग्जांपल मैं जैसे कहूं आपको कि बाइक एक क्लास है. ओके, बाइक एक क्लास है, तो बाइक क्लास है तो आपके माइंड में क्या इमेज बन रहा है? जैसे मैं कहूं बाइक, तो बाइक के माइंड में क्या इमेज बन रहा है? वो इसके साथ आपके माइंड में एक इमेज बन रहा होगा कि ओके, इसमें बाइक है, डेट मीन्स कि इसमें टू व्हील्स होगा ही होगा. कलर कुछ भी हो सकता है, टू व्हील्स होगा ही होगा. मेथड्स में ये सब होगा ही होगा. ओके, ऑटो रिक्शा कहते हैं तो इसमें थ्री व्हील्स होगा ही होगा. ओके, अगर हम कार कहते हैं तो इसमें फोर व्हील्स होगा. ठीक है, तो ये माइंड आपका ऑलरेडी बन चुका है. अब मैं प्रोग्राम स्टार्ट करूं, फॉर एग्जांपल कार का. ठीक है, और कार के प्रोग्राम में मैं ऐसे लिखता हूं कि उसमें कि व्हील्स टू. ठीक है, ये जो बाइक की जो प्रॉपर्टी है, ये बाइक की प्रॉपर्टी में उठा करके अगर कार में डाल दूं तो आप क्या कहोगे उसको? इनवैलिड. ओके, वो पर्टिकुलर चीज इनवैलिड हो जाएगा, जो कि वो एप्लीकेबल नहीं है. जैसे ये कार, ये प्रॉपर्टी में उठा करके अगर इसमें डाल दू तो ये एप्लीकेबल नहीं है, राइट? बिकॉज वी ऑल नो कि कार क्लास में क्या होगा? फोर व्हील्स होगा, डोर्स होगा. ओके, और ये कुछ इसका अपना फीचर है. सो जब हम कोडिंग करने के लिए चलते हैं तो हमें ये सब चीज माइंड में रखना होता है कि आप किस चीज के लिए क्या प्रोग्राम बना रहे हो और उसका कैसे यूज होगा. ठीक है, सो अगर मैं आपसे कहूं अभी कि मैं इस पर्टिकुलर क्लास का, ठीक है, एंड आई विल गिव
the assignments related to that also. मैं कहूँ कि car class जो है, ये car class, इसका एक इस car class को Java में convert करो. That means ये जो syntax लिखा हुआ है, car, auto, rickshaw and bike, इसको आप Java में convert करो. So how you will do that? Okay? So हम क्या करते हैं, एक इसका प्रोग्राम बनाते हैं और देखते हैं कि ये कैसे मॉडलिंग होगा इसका. ओके okay? इसका मॉडलिंग कैसे होगा. सो व्हाट वी विल डू दैट, वी विल गो एंड क्रिएट अ क्लास. ओके ओके, एक नया पैकेज बनाते हैं हम, कॉम डॉट तो so, हमने एक क्लास बनाया कार. ओके okay? ऐसे ही आपको आई विल गिव असाइनमेंट्स रिलेटेड टू दैट. यू हैव टू मॉडल दैट क्लास इनटू जावा. ओके सो अभी मैं बना रहा हूं, कार एक क्लास है. इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, कलर ऑरेंज, व्हील फोर, डोर टू. ठीक है, सो प्रॉपर्टीज कहने से का मतलब होता है कि उसमें वेरिएबल्स. ओके प्रॉपर्टी दैट मीन्स जितने भी उसमें वेरिएबल्स हो सकता है वो होगा प्रॉपर्टीज, एंड मेथड्स क्या होगा उसका बिहेवियर. ओके सो हम क्या करेंगे यहाँ पर कार, एंड इसका टेक्स्ट देखो, टेक्स्ट में लिखा हुआ, दैट मीन्स कि हम क्या करेंगे, कलर स्ट्रिंग कलर इक्वल टू ऑरेंज. ओके नाउ वी हैव व्हील्स, सो int wheels equal to 4, int doors equal to 2. ओके सो इसमें जो प्रॉपर्टीज था वो प्रॉपर्टीज हमने दे दिया है यहां पर. ठीक है, इस कार क्लास की प्रॉपर्टीज जो था प्रॉपर्टीज वो ये हुआ, एंड इसकी मेथड्स मेथड्स और बिहेवियर. ओके बिहेवियर क्या है इसका, एसटीआर. ठीक है, सो हम क्या कर सकते हैं, इसको कुछ इस तरह से बना दो आप, void public void एसटीआर. सो इसमें भी है कि जैसे कुछ चीज हमें फॉलो करना होता है, वी विल डिस्कस लेटर, एंड हियर डू समथिंग. ओके एक ये मेथड बन गया. दूसरा क्या है हमारे पास, एक्सेलरेट. तो यहां पर हम कहेंगे क्या, एक्सेलरेट. ठीक है, पूरा आप लिख दो. नेक्स्ट है हमारा क्या, ब्रेक. ठीक है, सो ब्रेक. ओके नाउ हमने अभी क्या किया, एक क्लास बनाया कार. ठीक है, जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज डाला और कुछ मेथड्स डाला इसमें. ठीक है, हम लोग अभी जितना भी अब करने वाले हैं, राइट, नेक्स्ट टू थ्री क्लासेस जितना भी होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो मॉडलिंग कुछ इसी तरह से स्टार्ट करेंगे हम लोग, एंड वी विल डू ऑल द थिंग्स जो कि अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज एंड ऑल. ठीक है, तो माइंड में आपको हमेशा ये रखनी है चीज. ठीक है, एक इमेज बना के रखनी है माइंड में कि कुछ इस तरह से है. अभी जैसे कार के लिए मैंने बनाया, ठीक है, अब ऑटो रिक्शा. ओके तो ऑटो रिक्शा का भी आप इसी तरह से कर सकते हो, यू कैन डू विद बाइक आल्सो. सो अब जो प्रॉपर्टी है, ओके जो प्रॉपर्टी यहां पर है, ये प्रॉपर्टीज सारे में एप्लीकेबल है. ओके स्टीयरिंग करने में भी ये प्रॉपर्टी यूज होगा. ओके एक्सेलरेटर जो है उसमें भी हो सकता है, ब्रेक में भी हो सकता है. दैट मीन्स कि वी यूज दिस प्रॉपर्टी इन आवर मेथड. ओके फॉर एग्जाम्पल की ह्यूमन क्लास की मैं डिस्कस करूं, तो ह्यूमन क्लास में ह्यूमन क्लास फंक्शन इज वॉकिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, ड्रिंकिंग. ओके एंड प्रॉपर्टीज आर टू ईयर्स, टू आईज, हैंड, लेग, एटसेट्रा. ठीक है, तो अब क्या है कि जो ये प्रॉपर्टीज है, फॉर एग्जाम्पल वॉकिंग, तो वॉकिंग कैन यूज द प्रॉपर्टी ऑफ लेग्स. ओके ईटिंग, इन ईटिंग वी कैन यूज हैंड. ओके स्लीपिंग, ड्रिंकिंग, तो ये सारे जितने भी फंक्शंस है, ये सारे फंक्शंस प्रॉपर्टी को यूज करता है. ओके
And right now we are only discussing about class, not object. Okay. So अभी क्या है कि ये जो class बना, इस class की कोई existence नहीं है. Okay. इस particular class की कोई existence नहीं है until and unless कि इस class का एक object नहीं बनता. Okay. इस particular class का कोई object नहीं बनता है. उसका object that means कि एक real world में जिसका existence है, वो जब तक नहीं होगा वो क्लास की कोई वैल्यू नहीं. ओके सो जैसे यहां पर था कि हमने कहा एक ह्यूमन क्लास होगा, ठीक है, ह्यूमन क्लास होगा जिसमें ये चीज होना चाहिए, फंक्शन ये होना चाहिए, प्रॉपर्टी ये होना चाहिए. लेकिन जब तक कोई एक ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, जब तक एक कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनता, फॉर एग्जाम्पल अली एक ऑब्जेक्ट बन गया, दैट मीन्स कि अली हैज ऑल दीज थिंग्स. अली कैन डू वॉकिंग, ईटिंग, स्लीपिंग एंड ही हैज these properties. Okay, so this is the thing that we should consider while creating the class. Now moving further, so hum log abhi generally normal class bana rahe hain, theek hai, we are only classifying the things. Hum log is pe ek ek karke details mein jayenge, theek hai. Jaise car hai to car ki jo models hai wo different models hai aur uske liye kya cheez hai, theek hai, jab hum inheritance wagera dekhenge. Now, in class, okay. Now in object-oriented programming, there are basically six concepts. Okay, object, class, inheritance, polymorphism, abstraction, and encapsulation. Okay, so ये चीज है total. Okay, these are the properties. So okay, so any question right now, as of now, any question, we will proceed further. No sir. Okay, so hum chalte hain. Okay, jaise ki maine kaha ki oops ka concept hai. Okay, so in oops concept, concepts, okay? So, oops concepts में क्या क्या होता है और ये कैसे हमें याद रखना है, okay? ये main चीज है हमारे पास. So, oops, in oops, what we have basically जो four properties है वो main होता है हमारा oops में. वो क्या है हमारा? Abstraction, encapsulation, inheritance and polymorphism. यही चार चीज को हमें समझना है एकदम details में, ठीक है. और ये चीज जैसे ही समझ में आएगा, आप समझो कि आप जावा आपने 50-60% जावा आपको समझ में आ गया है. ओके, ओनली दीज फोर थिंग्स जिसपे हम लोग डिस्कस करेंगे और एक एक चीज को हम लोग डिटेल्स में देखेंगे कि ये क्या चीज है, कैसे वर्क करता है, ठीक है. सो बिफोर मूविंग, हमें ये याद रखने के लिए कि ये फोर कॉन्सेप्ट्स है, इसके लिए एक टेक्निक है. सो देयर इज वन टेक्निक. Now, जो ये पार्ट है, this is we can say pizza, okay? Pizza, okay? ठीक है, ये एक पिज्जा है. इस पिज्जा से एक पीस को हम निकालते हैं, okay? So what we call that piece? इसको हम कहते हैं एक अ पाई, ठीक है, वी कॉल इट अ पाई. ओके, नाउ हमें ओप्स कॉन्सेप्ट को याद रखने के लिए ये याद रखना जरूरी है, ठीक है. इस स्ट्रक्चर्स में आप कभी भूलोगे नहीं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कितने कॉन्सेप्ट है और क्या क्या चीज है, ठीक है. सो शेड्यूल टाइम, ओके, सो
व्हाट वी डू हियर इज अ पाई। तो एक पिज्जा के एक पीस को हम क्या कहते हैं, पाई कहते हैं। ओके, वन पाई, अ पाई। नाउ अब याद रखने के लिए सिंपल कॉन्सेप्ट है, ए फॉर हियर यू कैन सी ए, ए दैट मीन्स Abstraction, okay. Second, P, P equal to polymorphism. Polymorphism. Third number पे है क्या, I, that is inheritance, and E, encapsulation. Encapsulation, okay. So, ये बेसिकली हमारा फोर कॉन्सेप्ट्स है, अब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस एंड इनकैप्सुलेशन। ओके, सो जब भी ये कहा, जनरली ये हम लोग भूल जाते हैं जब आप इंटरव्यू में जाओगे या फिर एक्चुअल में जब इसका कॉन्सेप्ट आप बताने के लिए जाओगे किसी को, तो ये फोर चीज ना ये याद नहीं रहता जनरली। तो इसका टेक्निक है हमारे पास कि हम याद रखते हैं कुछ इस तरह से, अपाई, ए फॉर अब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस एंड इनकैप्सुलेशन। ओके, now what is abstraction? Abstraction is hiding unnecessary data from user, is called abstraction. And we implement abstraction using access modifiers like public, private, etc. ठीक है, ये थ्योरी पार्ट जो है अभी हम नहीं करते हैं, थ्योरी पार्ट हम आगे करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और डिटेल्स में चेक करते हैं क्योंकि थ्योरी पार्ट याद नहीं रहेगा। ओके, वी विल See this later. ठीक है, थोड़ा और डायग्राम देखते हैं, इमेजेस देखते हैं, जिससे कि थोड़ा और माइंड में आएगा कि व्हाट इज दिस। सो हमने क्या किया, अभी एक क्लास क्रिएट किया। ओके, वी हैव क्रिएटेड वन क्लास एंड क्लास हैव प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स और बिहेवियर। ओके, सो जब हम कहते हैं उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट, ओके, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, दैट मीन्स वन ऑब्जेक्ट, that means an object can contains a state and behavior. Okay, state and behaviors. Now, जो हमने question ये बनाया था properties, properties को भी हम क्या कहते हैं, state. Okay, property को हम क्या कहते हैं, state और property, and method को क्या कहते हैं, method और behavior. ठीक है, इसको properties और So, अगर हम करें डिस्कस एक फोन की, ओके, फोन विद डिफरेंट कलर्स, तो जब हम एक फोन कहते हैं, फोन के डिफरेंट कलर है, तो एक ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, वन ऑब्जेक्ट कैन हैव स्टेट्स, दैट मींस डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स, फोन विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स। ओके, सो ये जितने भी है ये सारे मॉडल्स है किसका, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने डिस्कस किया था ह्यूमन क्लास, तो ह्यूमन क्लास का ऑब्जेक्ट क्या है, अली, राम, मोहन, सोहन, जितने भी ह्यूमन है वो सारे ऑब्जेक्ट है। तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट हो सकता है, फोन विद डिफरेंट कलर्स, फोन विद डिफरेंट मॉडल्स और टाइप। ओके, और बिहेवियर क्या हो सकता है, जैसे फोन पे हम डिस्कस करते हैं, मेक और रिसीव कॉल्स, ये एक बिहेवियर है, सेंड SMS, ये एक बिहेवियर है, सेट अलार्म्स, ये एक बिहेवियर है। ओके, सो एक ऑब्जेक्ट में क्या होता है, वो एन ऑब्जेक्ट कैन हैव स्टेट एंड बिहेवियर। ओके, नाउ व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, कंसीडर अ फोन, नाउ रिमेंबर दैट एन ऑब्जेक्ट ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ स्टेट, बिहेवियर एंड स्टेट। ओके, ये लाइन इंपॉर्टेंट है और इसको आप याद रखना है। ठीक है, इन करेंट एग्जाम्पल मोबाइल कैन हैव बिहेवियर्स, दैट इज इट कैन मेक एंड रिसीव कॉल्स, रिसीव SMS, it can set alarm, etc. while it can have states too, like model, model number, color, type, etc. ठीक है, so हमें हमेशा याद रखना है, always consist of state and behavior. One an object can have state and behavior. Now class, तो अभी आप class को देखोगे तो एक phone एक class है, different different types के phone है। ठीक है, vehicle एक class है, व्हीकल क्लास में क्या हो सकता है, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, बस, एनीथिंग। ओके, ये व्हीकल क्लास है। नाउ क्लास इज अ लॉजिकल कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड नथिंग मोर देन दैट। ठीक है, ये एक लाइन का डेफिनेशन है,
जो हमें याद रखना है, क्लास क्या है, लॉजिकल कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन विद करेंट एग्जाम्पल, इफ एन ऑब्जेक्ट इज अ फोन देन कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोन इज नोन एज अ क्लास, ठीक है। तो ये बेसिक इसका स्ट्रक्चर है कि ये लॉजिकल कलेक्शन है, इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है अंटिल एंड अनलेस कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल व्हीकल्स है, तो व्हीकल एक क्लास है, बस इस व्हीकल क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, कार, बाइक, ट्रक, एम्बुलेंस, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। बट अब इसका और अगर क्लासिफाई करें, जब हम इनहेरिटेंस की बात करेंगे तो उस टाइम हम देखेंगे इसको डिटेल्स में, कि व्हीकल एक क्लास है जिसको हम कहेंगे एक सुपर क्लास और पेरेंट क्लास, और इसका एक सब क्लास है कार, इसका सब क्लास है एक बाइक, इसका एक सब क्लास है ट्रक, एम्बुलेंस, स्कूटर। नाउ इस कार क्लास का एक अपना ऑब्जेक्ट बना कोई, ठीक है, बाइक क्लास का एक अपना ऑब्जेक्ट बना और इसका एक ऑब्जेक्ट बना, ठीक है, वी विल सी लेटर। सो अब हम जावा में बात करें रूल्स फॉर क्रिएटिंग अ क्लास। सो अ क्लास कैन हैव ओनली पब्लिक एंड डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर, ओके, नो अदर मॉडिफायर, ठीक है। जो क्लास हम बनाते हैं यहां पर, तो या तो आप पब्लिक लिखो यहां पर, या फिर कुछ भी नहीं लिखो, ओके। इट कैन बी इधर अब्स्ट्रैक्ट, फाइनल और कॉन्क्रीट। तो एक क्लास जो है क्या क्या हो सकता है, अब्स्ट्रैक्ट हो सकता है, फाइनल हो सकता है, कॉन्क्रीट क्लास हो सकता है, दैट मीन्स नॉर्मल क्लास। सो हम लोग इस सब पे डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं एक स्ट्रिंग क्लास की, ठीक है, लेट्स से कि वी से स्ट्रिंग, ओके, स्ट्रिंग एक क्लास है। अब हम चलते हैं इस स्ट्रिंग क्लास के इंप्लीमेंटेशन पे। तो देखो आप स्ट्रिंग क्लास में क्या लिखा हुआ है, पब्लिक फाइनल क्लास, ओके। तो ये एक क्या है, फाइनल क्लास है, जो कि यहां पर लिखा हुआ है। इट कैन बी इधर अब्स्ट्रैक्ट, फाइनल और कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट मीन्स नॉर्मल क्लास, जिसके पहले हम कुछ भी नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो एक फाइनल हो सकता है या फिर एक अब्स्ट्रैक्ट हो सकता है। हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे कि अब्स्ट्रैक्ट क्या है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी क्लास जो फाइनल है वो कभी अब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं हो सकता, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। ये चीज हम देखेंगे जब हम अभी अब्स्ट्रैक्शन पढ़ रहे होंगे, तो अब्स्ट्रैक्शन में ये चीज है, और डिटेल्स में हम लोग देखेंगे कि कैसे है, और प्रोग्राम बना करके चेक करेंगे इसका कैसे इंप्लीमेंटेशन है। इट मस्ट हैव क्लास कीवर्ड एंड क्लास मस्ट बी फॉलोड बाय द लीगल आइडेंटिफायर, ओके। इसका मतलब हुआ कि क्लास में जो है क्लास कीवर्ड यूज होना चाहिए और एक लीगल आइडेंटिफायर होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि हम सिर्फ 1-1 करके क्लास का नेम नहीं दे सकते, क्योंकि ये लीगल आइडेंटिफायर नहीं है, ठीक है। तो हमें एक लीगल आइडेंटिफायर ही कुछ यूज करना पड़ेगा इस तरह से। आप यहां पर 1-2 आप लिख दो, ठीक है, बट कोई स्पेशल कैरेक्टर आप नहीं लिख सकते हो, ओके। सो अब ये क्या है कि एक्सटेंड पेरेंट क्लास इज ऑप्शनल है, बट बाय डिफॉल्ट इट विल एक्सटेंड ऑब्जेक्ट क्लास, ठीक है। जितने भी हम जावा में क्लास बनाते हैं वो बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट क्लास से इनहेरिट होता है, एक्सटेंड होता है, ठीक है। इस चीज को, ये एक्सटेंड कीवर्ड क्या है, हम इनहेरिटेंस अभी देखेंगे तो उसमें पता चलेगा, ठीक है। ये एक बेसिक रूल है, ये आप देख लो नॉर्मली, क्योंकि अब क्लास से रिलेटेड हम लोग वर्क करने जा रहे हैं कि कौन से, कब आप किस क्लास को अब्स्ट्रैक्ट बनाओगे, कब आप किस क्लास को फाइनल बनाओगे, ये चीज हम लोग देखेंगे अभी नेक्स्ट 2-3 क्लासेस में। सो क्लास कैन हैव वेरिएबल्स मेथड, ठीक है, डिक्लेयर करते हैं विद इन सेट ऑफ कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। ये बेसिक चीज हुआ, जो भी हम क्लास बनाते हैं तो ये क्लास का जो कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हुआ है, ठीक है, इस कर्ली ब्रेसेस में आप पर्टिकुलर मेथड और आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हो। इच डॉट जावा सोर्स फाइल में कंटेन ओनली वन पब्लिक क्लास, ये जो लाइन लिखा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इच डॉट जावा सोर्स फाइल कंटेन्स ओनली वन पब्लिक क्लास, अ सोर्स फाइल में कंटेन एनी नंबर ऑफ डिफॉल्ट विजुअल क्लासेस। इसका क्या मतलब हुआ कि जो एक डॉट जावा फाइल है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं कहूं काउंट वर्ड्स डॉट जावा फाइल, ओके, काउंट वर्ड्स डॉट जावा फाइल, इस जावा फाइल में क्या होगा, इस जावा फाइल में सिर्फ एक ही पब्लिक क्लास होगा, ओके। फॉर एग्जाम्पल कि इसी क्लास में हम ये भी कर सकते हैं कि एक ही जावा डॉट जावा फाइल में एक से ज्यादा क्लास भी बना दे, ओके। सो लेट्स से कि हम क्या करते हैं, क्लास टेस्ट, ओके, एक क्लास टेस्ट बनाया हमने यहां पर इसी डॉट जावा फाइल में,
और यहां पर कुछ हम मेथड डाल सकते हैं void show, ओके, और इसमें हम कुछ भी फिलहाल डाल देते हैं टेस्ट करने के लिए, ओके, कॉपी दिस, ओके, सो अभी हमने क्या किया, ये देखो ये कंप्लीट हो गया है, ओके, फर्स्ट काउंट काउंट वर्ड्स क्लास इज कंप्लीटेड हियर, नाउ अगेन वी आर क्रिएटिंग वन अनदर क्लास दैट इज कॉल्ड टेस्ट विद द सेम डॉट जावा फाइल, ओके, अभी इसको कंपाइल करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रोग्राम कंपाइल होगा और दो डिफरेंट क्लास बनाएगा, ठीक है, अभी अभी आप देखोगे यहाँ पर एक डॉट क्लास फाइल है, इसको हम डिलीट करते हैं एंड नाउ अगेन गो एंड कंपाइल दिस डेस्कटॉप जावा सी काउंट वर्ड्स, ओके, कंपाइल हो गया और कंपाइल होने के बाद क्या होगा, यहाँ पर दो डिफरेंट डिफरेंट डॉट क्लास फाइल बनाया इसने, ठीक है, डिफरेंट डॉट क्लास फाइल बनाया, नाउ वी कैन, नाउ अभी ठीक है, अब हम फिर से इसको डिलीट करते हैं, ओके, और क्या करते हैं, वी गो एंड एड पब्लिक, ओके, पब्लिक क्लास टेस्ट, ठीक है, एंड सेव इट, तो एज पर दिस स्टेटमेंट यहां लिखा हुआ है इच डॉट जावा सोर्स फाइल में कंटेन ओनली वन पब्लिक क्लास, ठीक है, सिर्फ एक ही पब्लिक क्लास हो सकता है, बट हम यहां पर अभी दो यूज कर रहे हैं, ठीक है, अब हम सेव करके इसको कंपाइल करने की कोशिश करते हैं, जावा सी, ओके, सो यहां पर एक मैसेज आया हमारे पास काउंट वर्ड वर्ड्स डॉट जावा लाइन नंबर 28, ओके, 28 लाइन नंबर पे एक एरर है, वो एरर क्या है, क्लास टेस्ट इज पब्लिक क्लास शुड बी डिक्लेयर्ड इन फाइल नेम्ड टेस्ट डॉट जावा, कह रहा है अब ये क्लास टेस्ट जो है वो पब्लिक है, इफ इट इज पब्लिक क्लास देन यू शुड पुट दिस क्लास इनटू टेस्ट डॉट जावा, एक अदर अलग से एक और क्लास बनाओ और उसमें आप डालो इस चीज को, ओके, कोई कंफ्यूजन यहां पर तो नहीं है, क्योंकि ये जो चीज है ना ये हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है जब आप प्रोग्राम बनाओगे इनहेरिटेंस से रिलेटेड, तो जनरली हम क्या करते हैं कि इसी तरह से क्लास बनाते गए, एक ही जावा फाइल में हम एक से ज्यादा क्लास बनाते हैं जनरली, और वहां पर क्या है कि आप पब्लिक करके लिख देते हो, ठीक है, एट ए टाइम पता नहीं चलता है आपने लिख दिया, बट जैसे ही आप कंपाइल करने जाओगे तो कुछ इस तरह से मैसेज आता है, वहां पर थोड़ा टफ हो जाता है उस चीज को समझना, ओके, सो चंदन, सो दिस इज द रूल फॉर ओप्स कॉन्सेप्ट दैट वी कैन डिफाइन ओनली वन पब्लिक क्लास, या दिस इज द रूल, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, या एक्चुअली जब हमारा प्रोग्राम कंपाइल होता है, राइट, सो जब भी कोई डॉट जावा फाइल है उस डॉट जावा फाइल में ये रूल है, आई मीन ये ओप्स कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बेसिक रूल है जावा का, कि अगर कोई भी डॉट जावा फाइल है तो इस डॉट जावा फाइल में सिर्फ एक ही पब्लिक मेथड होगा और वो पब्लिक मेथड मेन वाला मेथड होना चाहिए, ओके, ये भी है एक, कि वो पब्लिक मेथड जिसमें मेन मेथड हो एक एंट्री पॉइंट, ओके, और एंट्री पॉइंट अगर नहीं भी लगाता तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पब्लिक मेथड होना चाहिए उस क्लास में, ये बेसिक रूल है, ये जावा का रूल है, एंड फॉर एग्जांपल इफ वी रिमूव द फर्स्ट पब्लिक मींस लाइक दिस फर्स्ट वन पब्लिक एंड देन इट विल रन, या इट शुड कंपाइल, इट शुड कंपाइल, ओके, अब क्या हुआ, पब्लिक टेस्ट क्लास सेव नहीं हुआ, सो बेसिक रूल वही है कि जो ओवरऑल ओनली वन पब्लिक शुड बी देयर, इट्स नॉट लाइक द लाइक व्हाट वी आर राइटिंग फर्स्ट और सेकंड, और वी हैव टू राइट फर्स्ट पब्लिक क्लास देन एनी क्लास विदाउट पब्लिक कीवर्ड, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, एक्चुअली अभी कम इसका जो एंट्री पॉइंट है वो एंट्री पॉइंट क्या है, ये है, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो है हमारे इस क्लास का वो यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है, तो ये चीज है कि जो यहाँ पर है ये क्लास एटलीस्ट पब्लिक होना चाहिए, ठीक है, ये अगर पब्लिक होता है, ठीक है, इसका ये जो मेथड है जिस क्लास में होगा वो क्लास पब्लिक होना चाहिए, ठीक है, सो फॉर एग्जांपल अगर आप कोई ऐसा जावा फाइल बनाते हो जिसमें सिर्फ जिसमें कोई भी मेन मेथड नहीं है, ओके, फॉर एग्जांपल कि मैं एक न्यू क्लास क्रिएट करूं एंड वी जस्ट क्रिएट क्लास टेस्ट वन, ओके, क्लास टेस्ट टू, ठीक है, ये दो क्लास है, अब हम यहां पर क्या करते हैं, पब्लिक लगाते हैं, पब्लिक
public and then public. अब इसको हम सेव करते हैं. That means ये है कि जिस नाम से आप सेव कर रहे हो एटलीस्ट उसको आपको पब्लिक बनाना पड़ेगा. Oh, okay. List one dot java. Java C test one dot java. So test two में problem हो गया यहाँ पर. Okay? Test two should be test two should not be public. क्योंकि जब हम इसको कंपाइल करके रन करते हैं तो उस टाइम प्रॉब्लम हो रहा है. आई मीन कंपाइल ही नहीं करने देगा इस चीज को. ठीक है. सो बेसिकली रूल इज जिस नाम से आप सेव कर रहे हो वो क्लास पब्लिक होगा, बाकी चीज पब्लिक नहीं होगा. ओके ओके. सो अब हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट जो सोर्स फाइल है हमारा. फॉर एग्जाम्पल अ सिंपल क्लास स्टूडेंट. ठीक है, एक क्लास हमने बनाया स्टूडेंट जिसमें ये तीन वेरिएबल है. ठीक है, स्ट्रिंग नेम, रोल नंबर एंड एज. ओके, अब इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट, एक फिजिकल ऑब्जेक्ट क्या होगा. इसका जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं इस तरह से, स्टूडेंट ओबीजे या एसटीडी इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट. जब ये हम न्यू कीवर्ड लगाते हैं दैट मीन्स एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं. द न्यू ऑपरेटर डायनेमिकली एलोकेट्स मेमोरी फॉर ऑब्जेक्ट. ओके, अभी तक इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं था. जैसे ही हमने न्यू कीवर्ड यूज किया तो अब क्या हुआ है, वो मेमोरी में स्पेस क्रिएट करेगा. मेमोरी में ऑब्जेक्ट, उसका लोकेशन जो भी होगा उसके लिए वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा. नाउ कैसे क्रिएट करेगा, दिस इज द थिंग. जो एसटीडी लिखते हैं हम, जितना भी वेरिएबल्स होता है वो वेरिएबल्स कहां बनता है, स्टैक में. एंड उसका जो मेमोरी एलोकेट होता है वो कहां होता है, हीप में. ओके, हीप एरिया. सो हीप एरिया में ये पर्टिकुलर जितने भी होगा ये बाय डिफॉल्ट जैसे हम क्रिएट ऑब्जेक्ट करेंगे ये सारा चीज इनिशियलाइज करता है. ठीक है, दिस इज द बेसिक रूल. तो जब हम क्लास कार की बात करते हैं और कार क्लास में अभी क्या है कि यहाँ पर हम लिखे हुए हैं स्ट्रिंग एस एंड यहाँ पर स्ट्रिंग, इसको हम हटाते हैं. ओके, यहाँ पर हमारे पास है कलर, व्हील एंड डोर. तो कलर में देखो आप, कलर की साइज क्या है, यहाँ पर कलर की साइज जो है वो उसका एक्चुअल मेमोरी में कितना स्पेस लेगा वो इंटीजर की जो साइज होती है वो, एंड टोटल कैलकुलेट करो. तो जब भी कोई एक न्यू ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो न्यू ऑब्जेक्ट इतना स्पेस लेगा. ओके, फॉर एग्जांपल इंटीजर इज 4 bytes. ओके, BYTES, इंटीजर इज 4 bytes. तो यहां पर भी होगा कितना, 4 bytes. ओके, अब स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग का इंटरनल इंप्लीमेंटेशन किस चीज से है, कैरेक्टर से. ओके, और जावा में कैरेक्टर जो है वो कितना स्पेस लेता है, वन कैरेक्टर टेक्स आई थिंक 2 bytes. ओके, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था उसमें से हमें देखना होगा कि ये जो न्यू कैरेक्टर है वो कितना लेता है. ठीक है, एनीवन रिमेंबर, 2 bytes और 1 byte कैरेक्टर, इट्स 2 byte. ओके, सो 2 bytes. तो 2 bytes को आप मल्टीप्लाई करो, 2 bytes कितना होगा इसका, अब टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितना है इसमें, 6. सो 6, एंड इसका एक एंडिंग कैरेक्टर भी होता है, तो 6 plus 1. ओके, 7 आप मानो इसका. ठीक है, तो 7 टोटल हो गया. सो इक्वल टू 14 bytes. ठीक है, 14 bytes प्लस 4 bytes प्लस 4 bytes. ओके, तो हो गया कितना, 18, 22. तो टोटल जो इसका एक ऑब्जेक्ट बनेगा, जब फॉर एग्जांपल कि इसका ऑब्जेक्ट बना हुआ है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्ट्रिंग. ओके, नाउ ठीक है, ये भी हम इस तरह से भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं. ओके, we can write array in this way as well. okay, so यहां पर आप कुछ भी डाल सकते हो, args जो पहले होता था. okay, now we will create the object obj equal to new car. okay, now अब क्या हुआ, अभी तक इस particular class की कोई existence नहीं था.
जैसे ही हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसके ऑब्जेक्ट बनाते ही क्या हुआ, टोटल जो मेमोरी क्रिएट हुआ वो 22 बाइट्स मेमोरी एलोकेट हो गया, ठीक है, ओके। और ये जो ऑब्जेक्ट है, जितना भी रेफरेंस है, ये सारे रेफरेंस कहां पर होगा, स्टैक एरिया, ओके। और जो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है वो कहां होगा, हीप एरिया, ओके। रोल नंबर इक्वल टू समथिंग नेम एंड एज, ओके। तो हमें माइंड में हमेशा रखना है कि आप कितना ऑब्जेक्ट बनाते हो, ओके। और अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे स्टार्टिंग में कि हम लोग देखेंगे फ्रेमवर्क्स, फॉर एग्जांपल जो डिजाइन पैटर्न है, फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न, सिंगलटन डिजाइन पैटर्न, ये जितने भी डिजाइन पैटर्न्स की हम लोग बात करते हैं, या फिर आप जो भी मॉडल्स की बात करते हैं हम, फ्रेमवर्क, फॉर एग्जांपल हाइब्रिड फ्रेमवर्क और समथिंग, तो उसका रीजन क्या होता है, रीजन उन सारे ये सारे फ्रेमवर्क डिजाइन पैटर्न का है, टू रिमूव द, टू यूज द लेस नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड टू अचीव आवर गोल, ओके। तो फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर आप जितने भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करोगे उतना सारा मेमोरी वो लेता जाएगा, ओके। अगर मैं फिर से इसका एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं, ओबीजे 1, दैट मींस कि क्या हुआ, ये फिर से इतना मेमोरी लिया उसने, ओके। सो वी हैव टू कीप इन माइंड कि आप कितना ऑब्जेक्ट्स बना रहे हो और प्रोग्राम आप कैसे लिख रहे हो, मेमोरी उस तरह से लेगा वो, ठीक है। तो जब हम डिजाइन पैटर्न सिंगलटन की बात करते हैं, तो सिंगलटन डिजाइन पैटर्न में क्या है कि इस पर्टिकुलर क्लास का सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा, ओके। तो उस चीज को भी हम लोग आगे देखेंगे। नाउ हम थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं, ऊप्स कॉन्सेप्ट। सो अब्स्ट्रैक्शन, नाउ अब्स्ट्रैक्शन इज व्हाट, हाइडिंग अननेसेसरी डेटा फ्रॉम यूजर इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्शन, ओके। हाइडिंग अननेसेसरी डेटा फ्रॉम यूजर इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्शन। सो यहीं पर फुल स्टॉप लगाएंगे और ये इसका एक डेफिनेशन हुआ, ओके। व्हाट इज अब्स्ट्रैक्शन, हाइडिंग अननेसेसरी डेटा फ्रॉम यूजर इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्शन। तो अब्स्ट्रैक्शन का एग्जांपल अब रियल लाइफ में हम, ये है हमारे पास कि फॉर एग्जांपल आप कोई भी एक चीज उठाओ, आप फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट मोबाइल, ओके। सो मोबाइल जो हम देखते हैं वो क्या है, एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास, अब्स्ट्रैक्शन के फॉर्म में है, जिसे हर यूजर डायरेक्टली यूज करता है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कॉफी मशीन की, ओके, इफ यू विल टॉक अबाउट द कॉफी मशीन, तो कॉफी मशीन में क्या है कि आप वहां पर बटन्स बना हुआ है, राइट, इफ यू वांट टी कॉफी और एनीथिंग एल्स, जस्ट प्रेस दैट बटन, ओके। आप उस बटन को प्रेस करते हो एंड कॉफी हमें आ जाता है बनके, ठीक है। तो वो चीज क्या है, वो अब्स्ट्रैक्शन है, दैट मींस कि यूजर के कन्वीनियंट के लिए आप कितना ऐसा, क्या ऐसा चीज दोगे, किस तरह से बना करके दोगे कि यूजर को इससे बिल्कुल लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है कि इंटरनल इंप्लीमेंटेशन क्या है, ओके। हाइडिंग अननेसेसरी डेटा फ्रॉम यूजर, तो वहां पर अब्स्ट्रैक्शन होता है। ऐसे आप किसी भी चीज को ले सकते हो, जैसे स्विच बोर्ड, हमारे घर में स्विच बोर्ड है, फैन ऑन करना है, हम जाते हैं डायरेक्टली एंड वी आर जस्ट प्रेसिंग दैट बटन टू स्विच ऑन द फैन, ओके। तो हम बटन प्रेस करते ही क्या हो रहा है, फैन ऑन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्शन। इंटरनल इंप्लीमेंटेशन को हम नहीं फोकस करते हैं। तो जब भी हम इसका प्रोग्राम बनाएंगे, ओके, so how we achieve abstraction in Java, we achieve abstraction in Java using abstract class and interface, okay, and not only abstract class and interface, हम ऐसा कोई भी चीज लेते हैं, for example जैसे अभी हमारा class था ये, ठीक है, ये एक class है, car एक class है, ठीक है। अब आप ऐसे सोचो, इस car class का abstraction कैसे यहाँ पर हो रहा है, ये एक object है obj, okay, इस ऑब्जेक्ट में अभी क्या क्या चीज है, ये सारा चीज है इस ऑब्जेक्ट के पास, ओके, बट हम नहीं देख पा रहे बिकॉज हमें इससे मतलब नहीं है फिलहाल, ओके। फॉर एग्जांपल कि मैं अभी लिखूं ओबीजे डॉट, ओके, ओबीजे डॉट, तो डॉट लगाते ही क्या हुआ, हमारे पास कलर आ गया, डोर्स आ गया, व्हील्स, एक्सेलरेटर, ब्रेक एंड जो अदर फंक्शन है स्टीयर, ठीक है, ये सारा चीज आ गया हमारे पास। तो ये इसका इंटरनल इंप्लीमेंटेशन हुआ।
Java already abstraction implement करके दिया हुआ है बहुत सारा चीज, ठीक है, हम directly उसको use करते हैं, obj dot color, ठीक है, अगर हम इसको print करेंगे तो यहाँ पर value print हो जाएगा, इस color की जो value है वो यहाँ पर print हो जाएगा, that means कि अगर हम coffee machine में गए और coffee machine में हम obj dot press coffee, okay, तो वहां से कॉफी हमें मिल जाएगा, ठीक है, अगर हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमें पर्टिकुलर चीज मिल जाएगा, ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर बिहेवियर ऑफ पर्टिकुलर बिहेवियर ऑफ अब्स्ट्रैक्शन। सो अब्स्ट्रैक्शन का डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हैं और वो कैसे वर्क करता है, फॉर एग्जाम्पल देखो आप अभी कार एक क्लास बनाया और कार क्लास में ये सब चीज डालने के बाद जब हम कुछ इस तरह से लिखते हैं तो आउटपुट आ जाता है, बट एक्चुअली में जावा इसको कैसे करता है, ये एक प्रोग्राम बना, डॉट क्लास फाइल है, एक जावा फाइल है, इस जावा फाइल को कंपाइल किया प्रोग्राम, डेटा वो हार्डवेयर से इंटरेक्ट किया, हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने के बाद एक्चुअली में फाइनल में हमें डेटा मिला ऑरेंज, इट इज नॉट एज सिंपल एज वी सी हियर, ओके। तो जैसे कि मैंने स्टार्ट क्लास में बताया था कि जब भी एक प्रोग्राम बनता है हमारा वो प्रोग्राम क्या होगा, डॉट जावा फाइल से कन्वर्ट होता है किसमें, डॉट क्लास फाइल में, डॉट क्लास फाइल लोड होता है मेमोरी में, ओके, एंड जब लोड होता है तो वहां पर हमारा बूट लोडर्स काम करता है, बूट स्ट्रैप जो उस पर डिस्कस ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, लोडर्स वर्क करता है, वो फिर इंटरनल आने के बाद क्या होगा, वहां पर हमारा मेमोरी इंप्लीमेंटेशन होता है जो जस्ट इन टाइम कंपाइलर हम जिसको कहते हैं, वो सब होने के बाद वो फिर क्या करता है, हमारा रजिस्टर वगैरह से कंपेयर के पास जाता है, वहां से आने के बाद फिर हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है, दैट मींस कि वो कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, ओके, तो मशीन लैंग्वेज फिर वापस आता है और फिर होते होते हमारे पास यहाँ पर डेटा आता है, ठीक है, तो ये जो इंटरनल इंप्लीमेंटेशन है वो इंटरनल इंप्लीमेंटेशन से यूजर को कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं होता, ओके, हमें सिर्फ ये चीज है कि इस पर्टिकुलर चीज को अचीव करना है, काम करना है, वो कैसे होगा, ओके, तो एक अब्स्ट्रैक्शन लेयर ऑलरेडी जावा इंप्लीमेंट करके दिया हुआ है, हम जस्ट उसको यूज करते हैं, ठीक है, ये सारा एग्जांपल है अब्स्ट्रैक्शन का, ओके, फॉर एग्जांपल जैसे मैं कल के क्लास में बताया था कि एरे, ओके, एक एरे है हमारे पास 1D एरे, फॉर एग्जांपल इस एरे में वैल्यू हमें देना है तो कुछ इस तरह से देते हैं और ये सीरियल वाइज कुछ ऐसे स्टोर करता है वो, ठीक है, ये जो सारा एग्जाम्पल था, ठीक है, अब मैं कहूँ अगर आपसे कि मैं एक क्लास है हमारे पास एरे लिस्ट, ओके, एरे लिस्ट क्लास है समथिंग इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ओके, अब अभी आपको ये फोकस करना है फिलहाल ये एरे लिस्ट में जो वैल्यू है इस पे हम लोग कलेक्शन पे डिस्कस करेंगे आगे, एरे लिस्ट डॉट एड, ओके, एड और यहां पर हम कुछ भी देते हैं तो वो वैल्यू जो है उसमें एड हो जाएगा, ओके, अब इसमें हम कुछ भी डालेंगे अगर 4, 5 इस तरह से हम डालते जाएंगे इसमें वैल्यू ऐड होता जाएगा एरे लिस्ट में, ठीक है, तो ये कैसे हो रहा है, क्वेश्चन इज दैट दिस इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ अब्स्ट्रैक्शन एसटीआर, ओके, अगर एसटीआर को हम प्रिंट करें तो कुछ प्रिंट होगा, ओके, सो वैल्यू यहां पर प्रिंट हो गया, ठीक है, ये भी एक एरे ही है बट किस फॉर्म में है, डायनामिक एरे लिस्ट एरे है, जैसे अभी पहले क्या होता था कि अभी तक हम जो भी एरे पढ़ रहे थे वो सारे स्टैटिक थे, वहां पर हमें साइज फिक्स करना पड़ता था, ओके, इस केस में हमने कोई साइज फिक्स करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जितनी भी वैल्यू ऐड कराना है ऐड करा दो और जब आप प्रिंट करोगे तो नॉर्मल इसका एरे के फॉर्म में डेटा प्रिंट होता है, बट हाउ इट इज वर्किंग, इसका इंटरनल इंप्लीमेंटेशन क्या है, तो एक अब्स्ट्रैक्शन का यहां पर लेयर है कि जो आपको इससे नहीं मतलब रहना चाहिए कि ये कैसे काम करता है, इंटरनल इंप्लीमेंटेशन क्या है, हमें सिर्फ ये याद रखना है कि किस चीज को यूज करने से क्या काम होगा, फॉर एग्जाम्पल कि अभी आपको अगर एक चाय पीनी है, ठीक है, टी पीनी है, आप कॉफी मशीन में गए और कॉफी वाली बटन को प्रेस करोगे तो वहां पर टी नहीं आएगा, वहां पर क्या आएगा, कॉफी आएगा, ओके, तो ये चीज है, जैसे स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड में अगर आपको फैन ऑन करनी है तो आप लाइट वाले बटन को प्रेस करोगे तो फैन ऑन नहीं होगा, हमें ये चीज याद रखना होता है, ठीक है, तो जब हम अब्स्ट्रैक्शन इंप्लीमेंट करेंगे जावा में, खुद से इंप्लीमेंट करेंगे, दीज आर द ऑलरेडी इंप्लीमेंटेशन ऑफ अब्स्ट्रैक्शन इन जावा, सो जब हम खुद से इंप्लीमेंट करेंगे इस अब्स्ट्रैक्शन को, सो व्हाट वी विल, सो हाउ वी विल अचीव, वी विल अचीव यूजिंग अब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस, ओके,
abstract class and interface. इसके through हम achieve करेंगे abstraction को, okay? तो और इस पे हम लोग discuss में detail करेंगे details में. जितना भी हम web service बनाते हैं, okay? आप कोई भी web service को उठाओ, जितने भी web service बनाते हैं, वहाँ पर आप देखोगे तो interface use होता है, okay? So हम लोग discuss करेंगे कि abstract class क्या है, interface क्या है, इस दोनों में difference क्या है, और web service बनता है तो interface को क्यों use करते हैं, and each and everything related to abstraction. Now, what is encapsulation? Okay, so अभी abstraction समझ में आ गया? Abstraction क्या है? Basic level पे अगर कोई पूछ दे आपसे कि what is abstraction, so आप उसमें बता सकते हो कि क्या है abstraction, right? And don't worry, we will discuss in details क्योंकि हम ये theory अभी देख रहे हैं, but इस सारे का practice practical देखेंगे हम लोग, okay? कि कैसे ये implement करता है और कब कैसे हम बनाएंगे इसको. ठीक है, नेक्स्ट वन इज इनकैप्सुलेशन. इनकैप्सुलेशन इज टेकिंग डेटा एंड ऑब्जेक्ट इन अ सिंगल यूनिट कॉल्ड इनकैप्सुलेशन. अ क्लास इज अ एग्जांपल ऑफ इनकैप्सुलेशन. ठीक है, सो यहां पर क्या है इनकैप्सुलेशन, डेटा एंड ऑब्जेक्ट को एक सिंगल यूनिट में हम रख देते हैं तो वो इनकैप्सुलेशन कहलाता है एज पर दिस. ठीक है, तो इनकैप्सुलेशन इज लाइक बाइंडिंग डेटा. ओके, जैसे एक क्लास है, ठीक है, तो एक क्लास में क्या है, हमने यहाँ पर वेरिएबल्स एंड मेथड्स इस सारे को बाइंड कर दिया इस पर्टिकुलर क्लास में. ठीक है, तो ये एक इनकैप्सुलेट हो गया. इसका जो हम लोग जनरली एग्जांपल देते हैं कैप्सूल का, ठीक है, तो एक कैप्सूल है, उसके अंदर में हम क्या करते हैं, मेडिसिन फिल करते हैं और वो रैप कर देते हैं ऊपर से. ठीक है, तो सो दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ इनकैप्सुलेशन. कार एक क्लास है जिसमें हम क्या करते हैं, इस ब्रेसेस के अंदर में जो कुछ भी लिखते हैं वो इनकैप्सुलेट हो जाता है. ठीक है, अब हम इस कार के ऑब्जेक्ट को जहां भी यूज करने जाएंगे तो वहां पर क्या है, ये डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं. ओके, कहीं पर भी जाकर के, फॉर एग्जांपल कि मैं एक और क्लास बनाऊं कहीं और उस क्लास में इसके ऑब्जेक्ट को हम यूज करने के लिए कोशिश करेंगे. ठीक है, टेस्ट क्लास. ओके, और इस टेस्ट क्लास में हम लिखते हैं यहां पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन. ओके, तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, सी आर कार सी इक्वल टू न्यू कार. ओके, हम यहां पर कार यूज कर सकते हैं. अब क्या है कि जैसे ही हम लगाएंगे यहां पर सी डॉट, ओके, तो इसका जितने भी इसमें फंक्शंस है, मेथड्स है, वेरिएबल्स है, वो सारा मेथड्स आ जाएगा यहां पर. तो अभी देखो ये कार क्या कर रखा है, इनकैप्सुलेट कर रखा है इसके जितने भी अदर मेथड्स फंक्शन है वो सारी चीज को. ओके, सो दिस इज, ठीक है, इसको हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते ऐसे, वी हैव टू राइट कलर, दैट मींस स्ट्रिंग एस. ओके, सॉरी डोर. ओके, सो इस पे भी हम लोग देखेंगे अभी आगे. So, encapsulation क्या है? Encapsulation is the implementation of abstraction. Okay? अगर दूसरे शब्दों में हम कहें, encapsulation क्या है? First, abstraction. Hiding unnecessary data from user. Okay? Hiding unnecessary data from user is called abstraction. लेकिन encapsulation क्या है? Encapsulation is implementation of abstraction. Okay? जैसे मैं कहूं कि हमारा जो स्विच बोर्ड है, घर में जो लगा होता है स्विच बोर्ड, स्विच बोर्ड का इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन है. ओके, वो कैसे वायरिंग हुआ है, वायरिंग होकर के फैन तक गया है, कैसे वायरिंग होकर लाइट तक गया है, वो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट क्या कहलाता है हमारा, इनकैप्सुलेशन कहलाता है. ओके, सो इन इनकैप्सुलेशन बेसिकली हम क्या करते हैं, इसमें एक्सेस मॉडिफायर्स के थ्रू हम उसको यूज करते हैं. ओके, इनकैप्सुलेशन राइट नाउ हम अभी सिर्फ यही समझते हैं कि इनकैप्सुलेशन क्या है. इनकैप्सुलेशन में ये जो जितना भी कार में चीज था, ठीक है, कार के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज था, जो भी मेथड्स था, वो सारा इनकैप्सुलेट हो चुका है इस कार में. नाउ अगर हम कहीं आउटसाइड जाकर के सीधे कार को यूज करते हैं तो हम देख सकते हैं कि इस कार के अंदर में क्या क्या चीज है. ओके, इसमें अगर हम गए यहां पर तो हम चेक कर सकते हैं कि ये क्या क्या चीज रखा हुआ है. सो ये सारे को बाइंड करके रखा हुआ है, इनकैप्सुलेट करके रखा हुआ है. ठीक है, नाउ मूविंग फर्दर, इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस में क्या है, क्रिएटिंग अ न्यू क्लास
from existing class is called inheritance. Okay, reusability is main advantage of inheritance. Okay, so inheritance kya hai? Creating new class from existing class. अब इनहेरिटेंस पे हम लोग जब जाएंगे तो डिटेल्स में फोकस करेंगे, अभी सिर्फ यही है कि एक न्यू क्लास क्रिएट करते हैं। अभी हम नॉर्मल समझते हैं कि ये बेसिक ये चार जो लिखा हुआ है प्रॉपर्टी वो है क्या। सो इनहेरिटेंस फॉर एग्जांपल कार फंक्शन है, कार क्लास है। अब कार क्लास में हम एक और क्लास बनाते हैं यहाँ पर, ओके, क्लास मारुति, ओके, एक्सटेंड्स कार, ओके। सो एक क्लास बनाया हमने मारुति, और ये क्या है, एक्सटेंड करता है कार क्लास को, ठीक है, कार क्लास को एक्सटेंड करता है। नाउ हम जो मेन मेथड कार क्लास में लिखे हुए हैं इसको हम हटा देते हैं, ओके। अब देखो एक कार क्लास है, कार क्लास में कुछ मेथड्स हैं एंड कुछ वेरिएबल्स हैं, ओके, कुछ प्रॉपर्टीज हैं और कुछ मेथड्स। अब मारुति क्लास में जैसे ही होगा तो अगर हम यहां पर मेन मेथड लिखते हैं, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसके अंदर लिखते हैं, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। नाउ एक मारुति क्लास बनाया, मारुति क्लास में हम डिफाइन करते हैं इंट ए बी सी इक्वल टू 4, ओके। अब हम इस क्लास में आते हैं और यहां पर एक ऑब्जेक्ट अब हम प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, ओके, इस आउट, बट ये हमारा है तो हम क्या करना है, हमें क्या करना है, मारुति का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बिकॉज मारुति इज ऑल्सो जस्ट अ क्लास, ओके, इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है अंटिल अनलेस कि हम इसका एक ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं। ओबीजे इक्वल टू न्यू, ओके। अब एक ऑब्जेक्ट बना इसका, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, we can access all properties of super class as well as properties of own class, okay? खुद के class का जो property है उसको भी use कर सकता है वो, और parent class का जो property था उसको भी use कर सकता है, ठीक है? So हम क्या करते हैं, print करते हैं obj dot color, ठीक है? तो ये color कहाँ पर है, ये car class में है, ये भी print करेगा। Now अगर मैं फिर से लिखूँ sys out obj dot ABC, ठीक है, तो ये भी प्रिंट होगा, ओके, दिस इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। अब प्रॉब्लम यहां ये है, अभी ये प्रोग्राम रन होगा नहीं, ठीक है, रन नहीं होगा, बिकॉज जो हमारा फाइल का नेम है वो कार डॉट जावा है, ठीक है, और मेन मेथड हमने कार से हटा करके कहां रख दिया है, मारुति क्लास में रख दिया है, ठीक है। तो अभी क्या है, आप इतना समझो कि इसका आउटपुट जो है, आउटपुट कुछ ये होगा, ठीक है। Now, हमने क्या किया, यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड, एक्सटेंड कीवर्ड वी हैव इंप्लीमेंटेड इंटर सॉरी वी हैव इंप्लीमेंटेड इनहेरिटेंस, ओके, वी हैव इंप्लीमेंटेड इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस में क्या है, पेरेंट क्लास के जो भी प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर है उसको इनहेरिट कर लेगा कौन, चाइल्ड क्लास। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पेरेंट्स का कोई प्रॉपर्टी है, ओके, आपके पेरेंट्स का जो भी एसेट्स है, ठीक है, तो जो चाइल्ड होगा, जो उसका जो ऑब्जेक्ट होगा उस पेरेंट क्लास का, ठीक है, तो वो पेरेंट क्लास के सारे प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकता है। तो जब हम लोग डिटेल्स में देखेंगे इनहेरिटेंस को, तो यहां पर कुछ चीज है कि हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं यहां पर, जो कि ऐसा चीज कि इसमें हम चाह रहे हैं कि ये जो क्लास है और ये पर्टिकुलर नीचे नहीं जाए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कुछ प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। जैसे ही प्राइवेट डिक्लेयर करेंगे यहाँ पर एक एरर आ जाएगा, ठीक है, द फील्ड कार डॉट कलर कलर इज नॉट विजिबल, ओके, ये कलर है विजिबल नहीं है। तो हम लोग इस पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे उस टाइम, ओके। अभी ये है कि पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टीज को हम यूज करेंगे चाइल्ड क्लास में, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस, ओके। नेक्स्ट टर्म था हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म, ओके, पॉलीमॉर्फिज्म इज इफ सिंगल मेथड परफॉर्म डिफरेंट टास्क इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म, ओके। सिंगल मेथड है कोई और वो डिफरेंट टास्क परफॉर्म करता है तो वो क्या कहलाएगा, पॉलीमॉर्फिज्म। फॉर एग्जांपल अगर हम ले एक
सपोज कीजिए कि एक क्लास है हमारे पास बर्ड, ओके, बर्ड क्लास है, बर्ड क्लास का एक फंक्शन है स्पीक, ओके, बर्ड क्लास में एक फंक्शन है स्कीप स्पीक, ठीक है। तो बर्ड क्लास का जो स्पीक होगा, अब बर्ड से जितने भी बर्ड्स का ऑब्जेक्ट बनेगा, ओके, बर्ड से जितने भी, या आप यही एग्जांपल लो, ह्यूमन क्लास है, ह्यूमन क्लास में फंक्शन है यहाँ पर वॉकिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, ड्रिंकिंग, ओके, एक और फंक्शन होगा यहाँ पर स्पीकिंग। तो ऑब्जेक्ट जो बनेगा, तो हो सकता है अली जो है कुछ और तरीके से स्पीक करे, बोल रहा हो, उमर का कुछ और वॉइस हो सकता है, सारा का वॉइस कुछ और हो सकता है, दैट मीन्स सेम मेथड है, सेम मेथड है, बट डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर है उसका, ठीक है। वो क्या कहलाता है हमारा, बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म, सेम मेथड एक्ट्स डिफरेंटली इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं, इनहेरिटेंस, ओके, सो और डिटेल्स इंप्लीमेंटेशन में हम इसका देखते हैं यहां पर। इनहेरिटेंस रिलेशनशिप ऑफ स्पेशल टाइप, सॉरी, इनहेरिटेंस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशनशिप वेयर अ क्लास एक्वायर्स द इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट क्लास अलोंग विद इट्स अलोंग विद आल्सो कंटेंट इट्स ओन एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टीज, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया है यहाँ पर, कि जो इसका अपना प्रॉपर्टी है वो तो इसके पास है ही, पेरेंट के भी प्रॉपर्टी को ये यूज कर सकता है, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस का जो मेन पर्पस है वो क्या है, कोड रीयूजेबिलिटी, ओके, कोड रीयूजेबिलिटी। जैसे इस कार क्लास में कुछ फंक्शन में मेथड कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, और एक मारुति क्लास बना, मारुति में भी यही चीज होगा, स्टीयरिंग होगा, एक्सेलरेटर होगा, राइट। सो अभी ये चीज समझ में आ रहा है, राइट, कि जो हमारे यहां पर है ये क्या करता है, कोड रीयूजेबिलिटी का काम करता है। तो एक क्लास है कार, कार क्लास में आप कुछ मेथड बनाते हो, और फॉर एग्जांपल ब्रेक लगाने का, ठीक है, आपने कार क्लास में ब्रेक लगाने का कोड लिखा, ठीक है। अब मारुति एक क्लास और है, तो मारुति क्लास में भी आप, मारुति क्लास है, दैट मीन्स वो भी एक कार, कार टाइप का ही है, राइट। तो मारुति क्लास में भी ब्रेक होगा, एक्सेलरेटर होगा, स्टीयरिंग होगा, ओके। तो आपको फिर से इसका डेफिनेशन देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको ये सारा चीज फिर से उठा करके इस क्लास में रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर क्या हुआ कि कोड रीयूजेबिलिटी नहीं हुआ, जो यहां पर है वो सेम चीज आपने यहां डाल दिया, ठीक है। तो यहां पर कोड रीयूजेबिलिटी नहीं हुआ, और यही प्रॉब्लम था हमारा, जो ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को फॉलो नहीं करता है, ओके। वहां पर क्या, फॉर एग्जाम्पल सी की बात करें, सी लैंग्वेज, तो वहां पर जितना भी हम क्लास होता, जितना भी है वहां पर डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होता था फंक्शन, और उतना हमें बार बार कोड लिखना पड़ता था वहां पर। जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करते हैं तो कोड सिर्फ एक ही जगह लिखना है हमें, ओके, और ये यूज हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, ठीक है। जैसे हम यहां पर लिखे ओबीजे डॉट, ठीक है, तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं यहां पर डायरेक्टली, क्योंकि ये मेथड है तो प्रिंट नहीं करेगा, तो हमें इस तरह से यूज कर सकते हैं, ओके, कोड रीयूजेबिलिटी। तो अभी तक ये समझ में तो आ रहा है ना आपको कि कैसे ये वर्क कर रहा है, राइट, एनी कंफ्यूजन, क्योंकि अब हम लोग डिटेल्स में देखेंगे एक एक चीज को, ओके। सो डू यू हैव एनी क्वेश्चन, सो इफ यू विल आस्क हियर चंदन, मूव करते हैं फर्दर और इसमें देखते हैं कि ये चीज क्या है और कैसे इंप्लीमेंट होता है, ओके। सो बिकॉज जब आप देखोगे, जैसे मैं अगर यहां पर करूं अब्स्ट्रैक्शन की, ठीक है, अब्स्ट्रैक्शन में मैंने कहा कि हम यूज करते हैं क्या चीज, इंटरफेस एंड अब्स्ट्रैक्ट क्लास। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि हम अगर प्रोग्राम बना रहे होते यहां पर किसी का, वेब ड्राइवर का, ओके, तो हम लिखते क्या, वेब ड्राइवर इक्वल टू न्यू फायरफॉक्स ड्राइवर, ठीक है, हम ऐसे ही कोड लिखते हैं, अभी ये सेटअप नहीं है इस वजह से इसमें आएगा एक्सेप्शन। तो हमने लिखा, उसके बाद फिर ड्राइवर डॉट गेट, और इसमें फिर हम जो भी यूआरएल है, ओके, हम यूआरएल पास करते हैं, और फिर हम जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं क्या होता है, हमारा एक फायरफॉक्स लॉन्च होगा, फायरफॉक्स ब्राउजर लॉन्च होता है, और जो भी यूआरएल आप डालोगे, ठीक है, वो यूआरएल ओपन हो जाएगा वहां पर, ओके, नो क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। तो अभी अभी तक हम लोग ये सिर्फ देख रहे थे सिलेनियम में
कि एक लाइन दो लाइन लिखने से क्या होगा, एक ब्राउजर लॉन्च होगा और पर्टिकुलर यूआरएल, फॉर एग्जांपल कि मैं अगर लिख दूं यहां पर http://google.com, ठीक है, तो google.com ओपन हो जाएगा फायरफॉक्स में, ओके। फिर हम लिख देते थे ऐसे ही कॉपी करके, अगर हमें लॉन्च करना है किस पे, क्रोम पे, तो हम क्या कर देते थे, यहां लिख देते थे क्रोम ड्राइवर, ठीक है। तो जैसे हम क्रोम ड्राइवर लिखते थे तो क्या होता था, क्रोम का ब्राउजर लॉन्च होता था, ओके। अब हम लोग ये डिटेल में देखेंगे अभी, जब हम अभी करेंगे क्या चीज, अब्स्ट्रैक्शन, ओके। अब्स्ट्रैक्शन जब हम करेंगे, सो दिस इज अ फॉर्म ऑफ अब्स्ट्रैक्शन, हमें इससे नहीं मतलब है कि इसने इंटरनली फायरफॉक्स में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। और फायरफॉक्स में ऐसा क्या लिखा इस क्लास, इस पर्टिकुलर क्लास में, कि जब हम गेट करते हैं तो ये पर्टिकुलर ब्राउजर ओपन होता है और यहाँ पर यूआरएल ओपन होता है। आज तक हमने कभी सोचा नहीं और हमें मतलब ही नहीं है कि इसका इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन क्या है। बट क्वेश्चन इज कि अगर आपको खुद से बनाना है ये चीज, आप डेवलप कर रहे हो कुछ प्रोग्राम, कुछ आप ऑटोमेशन लिखने जा रहे हो, तो आपको क्या करना है, कम से कम कोड लिखना है, ओके। तो अभी आप देखोगे तो दोनों जगह क्या है, ये कॉमन चीज लिखा हुआ है, वेब ड्राइवर एंड वेब ड्राइवर। तो आपको क्या करना है कि कोड रियूजिबिलिटी करना है, कम से कम कोड लिखना है और एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है, ऐसा प्रोग्राम लिखना है कि जो डिफरेंट टाइप से बिहेव करे, ठीक है। तो ये जो चार टॉपिक है, अब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, ये चारों टॉपिक में हम लोग इसी चीज पे डिस्कस करने वाले हैं, ओके। नेक्स्ट 2-3 क्लासेस में, जो भी अभी 2-3 क्लासेस होगा, वो सारा 2-3 क्लासेस हमारा इसी से रिलेटेड होगा, ओके। उसके बाद जब ये चारों टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, राइट, उस टाइम में अगर आपसे पूछूं कि अब बताओ आप कि इसमें क्या हो रहा है, यू कैन इजिली टेल कि इसका इंटरनल इंप्लीमेंटेशन क्या है और किस तरह से ये वर्क करता है, ठीक है। आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा वहां पर, कॉन्सेप्ट एक भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग सारा प्रैक्टिकल करके देखेंगे और उस टाइम हम देखेंगे कि ऐसा करने की क्या रिक्वायरमेंट पड़ा, ओके, और इसमें क्या बेनिफिट है नहीं है, प्राइवेट पब्लिक, ये सारा चीज डिस्कस हो चुका होगा उस टाइम। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे कलेक्शन, एंड कलेक्शन के बाद फिर जब कलेक्शन पढ़ रहे होंगे तो कलेक्शन में ही हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग भी पढ़ेंगे, एंड आफ्टर एक्सेप्शन हैंडलिंग हमारा जो कोर जावा का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे प्योर सिलेनियम, और सिलेनियम के थ्रू हम लोग एक प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे, एक कोई रियल प्रोजेक्ट उठाएंगे और उस पर हम लोग ऑटोमेशन स्टार्ट करेंगे और वहां पर फिर हम लोग फ्रेमवर्क बनाएंगे। सो दिस विल टेक टाइम, बट यस वी विल डू दैट, ओके। और आपको ये जो जितने भी क्लासेस है, उस सारे क्लासेस के बाद ये सारा चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सिर्फ करना आपको क्या है कि प्रैक्टिस आपको करना है, ओके। जो भी क्लास होगा तो अब ये नहीं करना है कि आज का जो असाइनमेंट था इस वीक का, वो हम इस वीक नहीं कर रहे हैं, अगले वीक कर रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होगा वो यही है, ओके। क्योंकि अगर आप इस वीक का असाइनमेंट इस वीक में नहीं कर पाते हो तो क्या होगा, नेक्स्ट वीक में फिर से असाइनमेंट्स आ जाए, तो उस टाइम क्या होगा, जो पहले जो पढ़ा था आपने, वो आपके माइंड से स्किप होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर जब इसी में जब हम कॉम्प्लेक्स टॉपिक पे पहुंचेंगे तो उस टाइम आपको नहीं समझ में आएगा कि ये क्या चल रहा है, ठीक है। तो मुझे फिर से क्या होगा, वापिस जाना पड़ेगा, वो टॉपिक कवर करना पड़ेगा, तो वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो इसलिए आपको रिक्वायरमेंट क्या है कि आप जो है आपको असाइनमेंट्स करनी है, टाइम पे असाइनमेंट करनी है, ओके। तो इनहेरिटेंस का हम देखते हैं थोड़ा और थ्योरेटिकल पार्ट। वी हैव अ क्लास, फोन क्लास, ओके, दैट इज कॉल्ड पेरेंट क्लास। फोन क्लास, पेरेंट क्लास में क्या लिखा हमने, मेक कॉल, रिसीव कॉल एंड रीड आई, ओके। आज जो असाइनमेंट्स मैं दूंगा आपको, तो वो असाइनमेंट्स कुछ ऐसे ही होगा, ओके, जो कि आपको करना क्या है, इसको कन्वर्ट करना है क्लास में, ठीक है, जावा क्लास में कन्वर्ट करना है इस चीज को। जब हम डेवलप स्टार्ट करते हैं कोडिंग, तो कुछ इसी तरह से हम बनाते हैं स्ट्रक्चर अपने बाद, और फिर उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं कोडिंग में। तो फोन क्लास बनाओगे, और फोन क्लास से मैं मेक कॉल, रिसीव कॉल एंड रीड आई। नाउ फोन क्लास को इनहेरिट किया, फोन क्लास से एक चाइल्ड बना टेलीफोन, तो टेलीफोन में भी ये सेम चीज होगा, बिकॉज इनहेरिट किया इसने पेरेंट क्लास को। मोबाइल फोन में भी यही चीज होगा, स्मार्टफोन में भी यही चीज होगा, आई मीन बेसिक ये तीन चीज तो होगा ही होगा, ठीक है। नहीं तो अगर मान लिया आपके पास एक स्मार्टफोन है, लेकिन वो उस स्मार्टफोन से आप ये तीन चीज नहीं कर पाते हो, मेक कॉल, रिसीव कॉल एंड आई मीन दो ही चीज मानो फिलहाल, कोई कॉल नहीं कर पाते हो, कोई कॉल रिसीव नहीं कर पाते हो। सो आप उस
ए स्मार्टफोन को आप फोन नहीं कहोगे, यू कैन यू विल कॉल एनीथिंग बट यू कैन नॉट कॉल फोन, क्योंकि फोन में क्या है, फोन क्लास का एक बेसिक ये तीन प्रॉपर्टी है जो होना ही चाहिए, ओके तभी वो फोन कहलाएगा, ओके जैसे हम कार कहते हैं तो कार में फोर व्हील्स होना ही चाहिए, जब तक फोर व्हील नहीं है तो वो कार नहीं हो सकता, अगर थ्री लगा दिया तो ऑटोमेटिक वो ऑटो बन जाएगा, ऑटो रिक्शा, ओके आप चाहे आप उसमें कार की ही सारा चीज फंक्शन इंप्लीमेंट कर किए हुए, लेकिन आपने क्या किया, फोर व्हील्स के जगह आपने थ्री व्हील्स लगाया, ठीक है, तो थ्री व्हील्स लगाते ही वो कार नहीं रह जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ऑटो रिक्शा हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि हमें कंसीडर करना चाहिए जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं। अब देखो, जब मोबाइल फोन है तो इसके पास कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी भी हो सकता है, लाइक सेंड मैसेजेस, रिसीव मैसेजेस, ओके। स्मार्टफोन में है क्या, और भी चीज हो सकता है, ब्राउज इंटरनेट, इंस्टॉल एंड यूज एप्लीकेशन, ओके। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी कंसीडर इन इनहेरिटेंस, ओके। इसका ये एग्जांपल, ये इसका थ्योरेटिकल पार्ट है, ठीक है, आई विल शेयर, यू कैन गो थ्रू दिस, ओके। अनदर एग्जांपल इज बॉलिंग, ओके। एक बॉलर क्लास है जिसमें बॉलिंग मेथड लिखा हुआ है, ठीक है, जो पेरेंट क्लास है। नाउ ये सेम क्लास बॉलिंग जो है क्या कर रहा है, हमारा ब्रेटली, ओके, ब्रेटली बॉलिंग कर रहा है, इरफान पठान, हरभजन सिंह, तीन ऑब्जेक्ट है, तीनों ऑब्जेक्ट में एक ही मेथड है हमारे पास, वो क्या है, ये एग्जांपल हम बता रहे हैं पॉलीमॉर्फिज्म का, ठीक है। बॉलिंग में मैंने पॉलीमॉर्फिज्म में ये कहा था कि सिंगल मेथड बिहेव डिफरेंटली, ओके, एक ही मेथड है वो डिफरेंट डिफरेंट बिहेव करेगा। सो बॉलिंग मेथड है पेरेंट क्लास में, फास्टर फास्ट पेसर बॉलर है हमारे पास ब्रेटली, तो ब्रेटली बॉलिंग जब करता है तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वो फास्ट बॉलिंग करेगा, ओके। तो इसने ब्रेटली ने अपने हिसाब से इंप्लीमेंट किया हुआ इस बॉलिंग मेथड को, ओके, ये जो बॉलिंग मेथड है, इस बॉलिंग मेथड को ब्रेटली ने अपने अकॉर्डिंग इंप्लीमेंट किया हुआ है कि फास्ट बॉलिंग करना है। इरफान पठान ने बॉलिंग मेथड को अपने अकॉर्डिंग इंप्लीमेंट किया हुआ है मीडियम पेसर, हरभजन सिंह स्पिनर, ओके। सो यू कैन थिंक ऑफ इट हाउ पॉलीमॉर्फिज्म वर्क्स, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म का जब हम प्रोग्राम करेंगे तो वी इंप्लीमेंट पॉलीमॉर्फिज्म यूजिंग ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग, ओके। जब हम पॉलीमॉर्फिज्म इंप्लीमेंट करते हैं तो हम ये सारा चीज हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं, ओके, डोंट वरी। अभी हम लोग थ्योरी पार्ट देख रहे हैं जिससे कि माइंड में वो स्ट्रक्चर बन जाए कि उप्स क्या है और कैसे वर्क करता है, ठीक है। फिर एक एक टॉपिक को हम लोग उठाएंगे, उस पर फोकस करेंगे। नाउ यू कैन रीड दिस, दीज आर द ऑल सेम चीज है, ठीक है। सो पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा इज इंप्लीमेंटेड इन टू वेज, मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। एबव मेथड वाज मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है, अपने हिसाब से मेथड को ओवरराइड किया हुआ है। ओवरलोडिंग इज समथिंग डिफरेंट, ओके, वी विल डिस्कस लेटर। नाउ अब्स्ट्रैक्शन, ओके, इन अब्स्ट्रैक्शन हाइडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी एंड शोइंग द इजियर फॉर्म ऑफ सिस्टम, ये इसका एक बेसिक एग्जाम्पल है अब्स्ट्रैक्शन का। सो हाइडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी, अब यहां पर आप देखो एक मोटरसाइकिल एक है, मोटरसाइकिल में ये सारा चीज का प्रॉपर्टीज है जो दिख रहा है, हेडलाइट एंड ऑल, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो जितना चीज है ये सब क्या है, एज ए अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में। तो एक एग्जाम्पल है इसका, जब आप इंटरव्यू में या कहीं पर भी अब्स्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल दे रहे होगे तो आप कह सकते हो कि आप जिस चीज को देख सकते हो, आप जिस चीज को फील कर सकते हो, वो सारा अब्स्ट्रैक्ट के फॉर्म में, वो सारा अब्स्ट्रैक्शन। ओके, तो आप किसी भी चीज को उठाओ, घर में किसी भी चीज को, ओके, फॉर एग्जाम्पल आई हैव राइट नाउ आई हैव पेन, ठीक है, मेरे पास एक पेन है, तो ये पेन भी क्या है, ये एक अब्स्ट्रैक्शन है। हम पेन लेते हैं और लिखना स्टार्ट कर देते हैं, बट वी डोंट केयर अबाउट हाउ इट इज वर्किंग, इसमें क्या फील है, उसके रिफिल में क्या ऐसा डाला हुआ है लिक्विड, ये राइटिंग हो रहा है, ओके, हमें उससे नहीं मतलब, हमें सिर्फ पेन लेते हैं और लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा कोई भी चीज आप उठाओ रियल वर्ल्ड, हमें हमेशा याद रखना है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, जो रियल वर्ल्ड की चीज को इंप्लीमेंट करता है, ठीक है। ये धीरे धीरे अभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि रियल वर्ल्ड हम लोग इतना बार बोल रहे हैं लेकिन एक्चुअली में इसका क्या यूज है। तो जब सॉफ्टवेयर की कोडिंग स्टार्ट करते हैं तो वहां पर ये चीज आता है हमारे पास, ठीक है, हम लोग देखेंगे इस चीज को, ओके। सो दिस इज द फॉर्म ऑफ अब्स्ट्रैक्शन।
अब इस चीज को आप देख लेना, समझ में आ जाएगा कि क्या है लिखा हुआ थ्योरी. नाउ अब्स्ट्रैक्शन इज इंप्लीमेंटेड यूजिंग टू वेज, इंटरफेस एंड अब्स्ट्रैक्ट क्लास. ठीक है, वी विल डिस्कस दिस. इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन मीन्स डेटा हाइडिंग. ओके, सिंपल है. इनकैप्सुलेशन मीन्स डेटा हाइडिंग इन ऑर्डर टू मेक इट सेफ फ्रॉम मॉडिफिकेशन. ये जो लाइन लिखा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही एक डेफिनेशन है इसका प्रॉपर. इनकैप्सुलेशन मीन्स डेटा हाइडिंग इन ऑर्डर टू मेक इट सेफ फ्रॉम एनी मॉडिफिकेशन. ओके, तो जैसे अभी था यहां पर अब्स्ट्रैक्शन. ठीक है, तो अब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन साथ ही साथ वर्क करता है. याद रखो, जो हम फील करते हैं, जो हम देखते हैं, वो अब्स्ट्रैक्शन है. उसका इंटरनल पार्ट जो है वो क्या है हमारा, इनकैप्सुलेशन. तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, आप किसी चीज को भी एग्जाम्पल ले सकते हो, राइट. फॉर एग्जाम्पल वी हैव हैंड. ओके, हमारा हाथ है. ठीक है, हैंड है. इसमें देखोगे तो जो भी हम देख रहे हैं सब, वी हैव फिंगर्स. ठीक है, तो जितना चीज भी देख रहे हो वो चीज क्या है हमारा, अब्स्ट्रैक्ट के फॉर्म में. बट इसके अंदर में जो कुछ भी है, ब्लड्स एंड ऑल, तो वो क्या है, वो इंटरनल इंप्लीमेंटेशन है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन, मीन्स डेटा हाइडिंग.